नमस्कार, आप देख रहे हैं आपके और आपके परिवार की सेहत से जुड़ा शो मेडिकली स्पीकिंग और मैं हूँ प्रेरणा। व्रत की थाली में होंगे ये व्यंजन तो पूरे दिन रहेगी सेहत दुरुस्त, नहीं आएंगे चक्कर और पूजा में लगेगा मन। दूध या दूध से बने खाद्य पदार्थ। दोस्तों, व्रत के दौरान दूध और दूध से बने अन्य पदार्थ सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होते हैं। दूध में कैल्शियम की भरपूर मात्रा होती है। दूध के सेवन से कम भोजन खाने से भी इससे ऊर्जा मिलती रहती है। वहीं दही खाने से उसमें मौजूद बैक्टीरिया तथा पोषक तत्व शरीर के लिए एंटीबायोटिक का कार्य करते हैं। इसके अलावा पनीर के कटलेट व्रत में खा सकते हैं, इससे प्रोटीन और कैल्शियम की जरूरत पूरी होती रहती है। ड्राई फ्रूट्स। दोस्तों, व्रत में काजू, बादाम, किशमिश, पिस्ता, अखरोट, मखाने और बादाम आदि खाया जाता है। इससे शरीर को ऊर्जा मिलती है। इसके अलावा ड्राई फ्रूट की खीर को लोगों द्वारा खूब पसंद किया जाता है। यह सेहत के लिहाज से काफी अच्छी होती है। फल। व्रत में फल अपने आहार में जरूर शामिल करें। फल उतनी ही कैलोरी देते हैं जितनी आपके लिए जरूरी है। इसके साथ ही फलों में प्राकृतिक शुगर होती है जिससे वजन बढ़ने की चिंता नहीं होती है। फलों का उपयोग आप सलाद बनाकर कर सकते हैं। वहीं विभिन्न फलों से बने जूस का सेवन किया जाता है। व्रत के दौरान फलों का जूस पीने से शरीर में पानी की कमी नहीं होती और डिहाइड्रेशन की समस्या से बचा जा सकता है। आलू। नवरात्र व्रत या सावन के व्रत के दौरान खाद्य पदार्थों में आलू को सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है। आलू बहुत फायदेमंद भी होता है। आलू में सबसे ज्यादा स्टार्च पाई जाती है। आलू को उबाल कर खाने से शरीर से अतिरिक्त चर्बी कम होती है। कुट्टू का आटा। दोस्तों, कुट्टू के आटे का इस्तेमाल व्रत के दौरान अधिकतर घरों में किया जाता है। कुट्टू की पूरी किसी भी सब्जी के साथ खा सकते हैं। कुट्टू की पूरी दोपहर के खाने के लिए इसलिए अच्छी है क्योंकि यह तलने के बाद हैवी होती है, इसलिए इसे दिन में खाया जा सकता है। साबूदाना। दोस्तों, व्रत में साबूदाना खूब खाया जाता है। साबूदाना को आप अलग अलग तरह से बनाकर खा सकते हैं। साबूदाना से बेक्ड कटलेट बना सकते हैं जो वजन नहीं बढ़ने देता है और इससे पोषण भी मिल जाता है। मिठाइयाँ। दोस्तों, मिठाइयों का सेवन भी बहुत किया जाता है। व्रत के दौरान आप मिठाई खाकर काफी हद तक भूख को कम कर सकते हैं। मिठाई में तिल के या नारियल के लड्डू बेहतर विकल्प हो सकते हैं। तो दोस्तों, ऐसी रोचक जानकारियां हासिल करने के लिए देखते रहिए हमारा शो मेडिकली स्पीकिंग। धन्यवाद।